वीडियो में बिगिनर नॉट वेरी हैप्पी। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। नमस्कार, मैं हूँ श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। कोरोना संकट के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से देश भर के सरपंचों से आज सीधी बात की। प्रधानमंत्री ने सरपंचों से ग्राउंड जीरो की मुश्किलों के बारे में उनसे सुनी, अपनी बात बताई, लेकिन बड़ी बात यह कही कि अगर कोरोना जैसे संकट का सामना करना है तो हमें आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। इस कोरोना संकट से हमने अनुभव में पाया है कि अब हमें आत्मनिर्भर बनना ही पड़ेगा। बिना आत्मनिर्भर बने ऐसे संकटों को झेल पाना भी मुश्किल हो जाएगा। गांव अपने स्तर पर अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए आत्मनिर्भर बने, जिला अपने स्तर पर, राज्य अपने स्तर पर, और इसी तरह हमारा ये पूरा हिंदुस्तान कैसे आत्मनिर्भर बने, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमें कभी भी बाहर का मुंह नहीं देखना पड़े, ये तय करने का ये सबक हमें सीखा है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल डिस्टेंसिंग का भी संदेश दिया, ये बताया कि कोरोना दो गज की दूरी आज के हालात में क्यों बेहद जरूरी है। हमें यह ध्यान रखना है कि शारीरिक दूरी, दो गज की दूरी, ये मंत्र भूलना नहीं है। गांव गांव, घर घर, गली गली, दो गज की दूरी, ये शारीरिक दूरी साथ साथ मुंह को फेस कवर, जरूरी नहीं एक बड़े महंगे वो हो, ऐसा गमछा भी चल जाता है, लेकिन ये लगातार होना चाहिए। या मास्क से ढकना, हाथों की बार बार सफाई की बात हो, आने वाले दिनों में भी हमारे लिए इस बीमारी से बचने का यही बड़ा रास्ता है, यही एक दवाई है। हमें बचाव और स्वच्छता पर ज्यादा बल इसलिए भी देना है क्योंकि गर्मी और बरसात के मौसम में अनेक प्रकार की बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। और हमारे बारिश के दिन आने की शुरुआत होने वाली है। इस बार कोरोना बीमारी ने इस खतरे के लिए और अधिक चिंता का कारण बना दिया है, इसलिए हमें बहुत सतर्क रहते हुए अपने गांव को बचाना है। और कोरोना वायरस की भले ही अभी तक कोई वैक्सीन या दवा ना बन पाई हो, लेकिन इलाज के अलग अलग तरीके से बड़ी उम्मीद जाग रही है। हम बात कर रहे हैं प्लाज्मा थेरेपी की, जिसका कोरोना मरीजों पर ट्रायल सकारात्मक बताया जा रहा है। दिल्ली में यह ट्रायल पिछले हफ्ते शुरू हुआ था। आपको बता दें कि आज सीएम अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि ट्रायल के नतीजे अच्छे आ रहे हैं। जिन चार कोरोना मरीजों को प्लाज्मा थेरेपी दी गई थी, उनमें से दो लोगों को एक या दो दिन में अस्पताल से छुट्टी भी मिल सकती है। बाकी दो लोगों की तबीयत में भी काफी सुधार। तो आपको बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कुछ समय पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, जहां पर डॉक्टर सरीन भी मौजूद थे, एलएनजेपी के डॉक्टर। और एलएनजेपी में ही आपको बता दें, चार पेशेंट्स पर ये प्लाज्मा थेरेपी ये ट्रायल किया गया था, जिसमें कि दो के बारे में बताया जा रहा है कि वो एक से दो तीन दिन में डिस्चार्ज भी हो सकते हैं, और जो बाकी दो और पेशेंट्स हैं उनकी तबीयत काफी बेहतर है। जो पेशेंट ठीक हो जाते हैं, उनको कोरोना हुआ, अस्पताल में एडमिट हुए, उसके बाद वो ठीक होकर घर चले गए, ऐसे मरीजों के खून के अंदर एंटीबॉडीज बनती हैं जो उन्हें कोरोना से बचाती हैं। तो अगर ठीक हुए पेशेंट के खून से प्लाज्मा निकाला जाए, वो एंटीबॉडीज निकाली जाएं, और जो बीमार पेशेंट है उसमें डाल दी जाएं, तो वो बीमार पेशेंट भी ठीक हो जाता है। इसे हम प्लाज्मा थेरेपी कहते हैं। तो ये प्लाज्मा थेरेपी लिमिटेड बेसिस पे छोटा ट्रायल करने की हमें परमिशन मिली थी कि एलएनजेपी अस्पताल, केवल एलएनजेपी के लिए हमें परमिशन मिली थी कि एलएनजेपी अस्पताल के जो सीरियस मरीज हैं उनके ऊपर ये ट्रायल करके देखा जा सकता है।
हमने पिछले कुछ दिनों के अंदर चार मरीजों पे ट्रायल करके, एलएनजेपी के चार मरीजों पे ट्रायल करके देखा, उसके अभी तक के नतीजे उत्साहवर्धक हैं, अच्छे हैं। और दिल्ली के एलबीएस इंस्टीट्यूट के निदेशक डॉक्टर एस के सरीन भी मुख्यमंत्री के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। डॉक्टर सरीन ने प्लाज्मा थेरेपी के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उनके मुताबिक कोरोना संक्रमण के दूसरे चरण में प्लाज्मा थेरेपी मिल जाए तो मरीज में सुधार की बहुत ज्यादा संभावना है। हिपोक्रेटिक ओथ यही है कि आप भले ही सोचें कि अच्छा हो रहा है पर बुरा ना करें। इस विचार से शुरू में हम लोगों ने ट्रायल बहुत केयरफुली सोच के शुरू करी और मुझे बहुत खुशी है कि शुरू में चार मरीज में हम लोगों ने अभी उत्साहवर्धक फल देखे हैं। और हाँ, आज उम्मीद है कि दो या तीन मरीज और हमारे जो हैं, जो कि सिक हैं एलएनएच हॉस्पिटल में, उनको हम लोग उनके टेस्टिंग रात 1:30 बजे सैंपल आए और उनके लिए ब्लड भी तैयार है, प्लाज्मा भी तैयार है और हो सकता है आज हम उन लोगों को थेरेपी दे सकें। इस थेरेपी के बेनिफिट्स काफ़ी हैं। अगर आपने उसको दिया तो वो थर्ड स्टेज, जिसे हम साइटोकाइन स्टॉर्म कहते हैं, उस स्टेज पे मरीज ना जाए जिसमें ऑर्गन फेल हो और लंग के इन्फेक्शन जल्दी से करेक्ट हो जाएं, ये एक हमारा मेन एम है। और ऐसे थेरेपी और अभी कोई है नहीं। हमें लगता है कि शुरू के अगर, जैसे मान लीजिए 10 मरीज हमें 20 मरीज करने हैं, मुझे लगता है कि हमारे मरीज ये 10 से 15 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। और आपकी दुआएं रहीं, मरीजों की दुआएं नहीं, तो हो सकता है कि हम एक लीड ले सकते हैं, बता सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आपसे अपील भी करूँगा और हमारे पॉलिटिकल चीफ से अपील करवाऊंगा कि आप लोग दिल्ली में आगे आएं। अगर हम ये डोनेशंस 2 दिन में कर दें तो मुझे लगता है कि हम सारे मरीज बहुत हैं अभी भी, कम से कम 2 दर्जन मरीज हैं एलएनएच में जिनको हो सकता है ज़रूरत हो, तो आप लोग अगर आएं, हमें डोनेशन दें, हम मरीज के ऊपर पूरी जी जान से, हमारी टीम जो है पूरी जी जान से लग करके उनको सुपरवाइज करेगी, उनको प्लाज्मा या जो भी देना है देगी, हो सकता है वो ठीक हो जाए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्लाज्मा थेरेपी को लेकर अच्छी खबर दी तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने प्लाज्मा थेरेपी को लेकर खुलकर दावे करने से वो बचे। हमारे सारे देश में और विशेषकर स्टेट्स का भी ये कंसर्न है, एक एंटीबॉडी टेस्ट के संदर्भ में एक जो है बहुत बड़ी डिबेट चल रही है। मैं इसके बारे में इतना ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से एक ये 3 या 4 महीने इस वायरस की आयु है और इस वायरस के संदर्भ में बहुत सारी नई नई जो रिसर्चेज डेवलपमेंट्स जो है वो होती हैं, तो जब से ये पता लगा है कि इसके खिलाफ भी एंटीबॉडी शरीर में बनती हैं, तो बहुत स्थानों पर उन एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करने के लिए और उसको हमारे सर्विलेंस को मजबूत करने के लिए हमारा जो स्ट्रैटेजी है उसको आगे बढ़ाने के लिए, एंटीबॉडी टेस्ट को प्रयोग करने के लिए कई प्रकार की चीज़ें विकसित हुई हैं, कई देशों ने उनको थोड़ा बहुत इस्तेमाल किया है। लेकिन अभी जैसे ही, जैसे एक सरकार की जिम्मेदारी होती है कि कोई भी नई चीज़ व्यवस्था में आती है तो वो उसका मैक्सिमम लाभ अपने समाज को देना चाहती है, वही सोच हम लोगों की भी रही है। इसलिए हम लोगों ने भी बहुत सारी किट्स को जो है देश के लोगों के लिए तुरंत उपलब्ध कराया। और दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने प्लाज्मा थेरेपी को लेकर अच्छी खबर दी तो उधर राजस्थान में टेस्ट किट को लेकर सरकार और आईसीएमआर के बीच तकरार जारी है। आईसीएमआर ने राजस्थान सरकार से कहा है कि वो टेस्ट किट से जांच जारी रखें। सर, आईसीएमआर ने जो जवाब भेजा है उसके अंतर्गत तो वो कह रहे हैं कि टेस्ट की प्रोसीजर को फॉलो करो और आप करो। देखिए, आईसीएमआर को जब हमने प्रायोगिक तौर पे यहाँ पे ये रैपिड टेस्ट किट फेल्योर हो गए हैं, जो पॉजिटिव केसेस पे हमने इनको इस्तेमाल किया, पॉजिटिव को ये नेगेटिव बता रहा टेस्ट, तो फिर इस तरह के टेस्ट को करवाने की जिद क्या है? चाहिए तो ये था वो अपने लेवल पे इनकी परफेक्शन की कि इसकी रिक्वायरमेंट है कि नहीं है, या ये मापदंड पे खरे उतर रहे हैं कि नहीं उतर रहे, इसकी कोई वहां टेस्टिंग करते, वो तो जिक्र इन्होंने चिट्ठी में किया नहीं है। और सिर्फ गोलमाल चिट्ठी लिख दी एक, जिसमें प्रोटोकॉल फॉलो करो, ये करो फॉलो, कौन से प्रोटोकॉल है भाई? जिस टेस्ट को पॉजिटिव
डिक्लेयर्ड मरीजों पर आरटीपीसीआर टेस्ट में जिन लोगों को पॉजिटिव बताया और जो भर्ती मरीज हैं उन पर 168 ये रैपिड टेस्ट किट हमने इस्तेमाल किए, और जो पॉजिटिव को ही नेगेटिव बता रहा था, ऐसे टेस्ट को हम करके अंधेरे में कब तक रहेंगे। और कोटा में फंसे हजारों छात्रों के घर वापसी हो रही है, लेकिन बिहार के स्टूडेंट अब भी कोटा में ही फंसे हुए हैं। अपनी आवाज को नीतीश सरकार तक पहुंचाने के लिए अब स्टूडेंट धरने पर बैठ गए हैं। कुछ छात्राएं अपने हॉस्टल के बाहर हाथों में तख्तियां लेकर अनशन कर रही हैं और ये गुहार लगा रही हैं कि उन्हें भी घर भेजा जाए। ये चार तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। आप कहां से हैं? सरकारों ने लॉकडाउन तो कर दिया लेकिन वो महापलायन को नहीं रोक पाए। आज भी जबकि दूसरे लॉकडाउन का ये 9वां-10वां दिन चल रहा है, पलायन लगातार जारी है। आप देखिए मजदूर हैं, इस तरह के लोग लगातार सैकड़ों किलोमीटर चलते जा रहे हैं कि आज न तो कल अपने घर जरूर पहुंच जाएंगे। ये लोग बिहार के भागलपुर से हैं और रामपुर की कपड़ा फैक्ट्री में काम करते हैं। 2-3 दिन से चलते हुए ये लखनऊ पहुंचे हैं और इसके बाद यहां से इनके घर की दूरी अभी 1000 किलोमीटर से ज्यादा है। कहीं किसी ने लिफ्ट दिया तो पहुंच आगे बढ़ गए, नहीं तो यूं ही थके अनथके चलते रहे। ये देखिए ये लोग हैं और ये मजदूर हैं। कहां से हैं आप लोग भाई साहब और कहां से कब चले हैं, कहां के लिए निकले? हम रामपुर से परसों रात में निकले हैं और मैं बिहार भागलपुर डिस्ट्रिक्ट जा रहा हूं। परसों रात को निकले हैं आप लोग ये चारों लोग, और कैसे आ रहे हैं यहाँ तक पहुँचे हैं, क्या यहाँ से आगे कहाँ जाएंगे? पैदल भी चल लेते हैं, अगर कोई लिफ्ट मांगते हैं तो लिफ्ट में दे देता है तो ठीक है, नहीं तो पैदल निकल लेते हैं। पैदल निकल जाएंगे। और दूसरे राज्यों में फंसे यूपी के मजदूरों को वापस लाने के लिए योगी सरकार तैयारी कर रही है। दूसरे राज्यों में 14 दिन का क्वारंटीन पीरियड पूरा कर चुके मजदूरों को सरकार वापस लाने की तैयारी में है। इसके लिए योगी सरकार ने कार्य योजना बनाने को मंजूरी दे दी है। आपको हम बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने सबसे पहले पहल करते हुए कोटा से छात्रों को कई बसेस भेज करके वापस बुलाया और अब मजदूरों के बारे में भी चरणबद्ध तरीके से योजना बना रही है, और जो मजदूर क्वारंटीन पीरियड खत्म कर चुके हैं, पूरी कर चुके हैं, उन्हें वापस लाया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।